अभी हमारा नेक्स्ट जो है वो है बायोनॉमियल एलजेब्रा का लास्ट टॉपिक, बायोनॉमियल थ्योरम, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बायोनॉमियल थ्योरम फॉर, देखो यहाँ पे बायोनॉमियल थ्योरम हम दो टाइप से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो रहेगा हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल का कंसिडर करेंगे, और सेकंड जो रहेगा एनी इंटीग्रल, कोई भी इंटीग्रल का कंसिडर करेंगे, ठीक है। और उसमें बायोनॉमियल थ्योरम का जो एक्सपांसन है वो पॉजिटिव इंटीग्रल में कैसा आता है, नेगेटिव इंटीग्रल में कैसा आता है, और एनी इंटीग्रल में मतलब कैसा आता है, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए जो बायनोमियल थ्योरम है वो कुछ इस तरह से है, x प्लस ए का होल पावर n विल बी इक्वल टू सी जीरो एन एक्स एन माइनस जीरो ए जीरो प्लस सी वन एन एक्स एन माइनस वन ए वन प्लस सी टू एन एक्स एन माइनस टू ए टू प्लस सो ऑन कहां तक सी एन आर एक्स एन माइनस आर ए का पावर आर, ठीक है, प्लस सो ऑन कहां तक, जब तक ये वैल्यू एन न हो जाए, ये वैल्यू आर की वैल्यू जब तक एन न हो जाए तब तक यहां पे ए एन हो जाएगा, और यहां पे एक्स का पावर जीरो, मतलब अगर आप लिखेंगे यहां पे ऐसे एक्स एन माइनस एन ए एन, तो n माइनस एन क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो मतलब x की पावर जीरो मतलब वन हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन से निकल जाएगा, उसको मतलब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, a का पावर n, ठीक है। ये हो गया अपना बायोनॉमियल थ्योरम, एक बार लिख लो प्रॉपर देख लो, ओके हो गया। चलो अभी यहां पे n क्या है, n इज नथिंग बट पॉजिटिव इंटेजर एंड एक्स एंड ए आर एनी रियल नंबर्स, समझ में आ गया, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा बायोनॉमियल थ्योरम का एक इक्वेशन जो ऑलरेडी डिराइव्ड है, हमें सिर्फ समझना है, समझ में आ गया, ओके। अभी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें नोट्स करने हैं, ठीक है, तो वो हम नोट डाउन कर देंगे। चलो यहां से ही कर देते हैं, इक्वेशन को रखते हैं, इक्वेशन क्योंकि काम आएगा आगे। चलो नोट करके लिख लीजिए आप, नोट करके, फर्स्ट नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस, मतलब 1 2 3, मतलब ये जो नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस वो है वो ऑलवेज 1 ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इंटेजर्स, मतलब यहाँ पे द नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस आर गिवन एज एन प्लस वन, मतलब यहाँ पे हमारा पावर जो है इंटेजर का पावर पॉजिटिव इंटेजर है उससे ऑलवेज 1 ज्यादा होगा। क्यों ये ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा टर्म एक्स्ट्रा हो जाता है, ये वाला टर्म हमारा एक्स्ट्रा जीरो से स्टार्ट हो रहा है, कॉफिशेंट हमारा जो बायनोमियल कॉफिशेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और हमारा नंबर ऑफ जो एक्सप्रेशंस है वो कितने हैं, एन है, लेकिन हमारा टर्म जीरो से स्टार्ट होने की वजह से वो एक यहाँ पे बढ़ जाएगा। सो नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस इन द गिवन बायोनॉमियल थ्योरम आर ऑलवेज ग्रेटर देन ऑलवेज वन मोर, ओके समझ में आ गया, एक ज्यादा होता है ऑलवेज, समझ में आया, ओके चलो। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आप देखेंगे
तो देखो x और a का पावर, x और a का पावर यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे, यहां मतलब हर एक जगह पे आप देखोगे तो पावर का जो समेशन है वो ऑलवेज x की वैल्यू, आप देखो x में क्या होता है, पावर डिक्रीज होता जा रहा है, और m में क्या हो रहा है, पावर इंक्रीज होता जा रहा है, x में एक से डिक्रीज होता जा रहा है और y m में जो है वो एक से इंक्रीज होता जा रहा है। अभी x में एक से डिक्रीज हुआ, m में एक से इंक्रीज हुआ, तो दोनों के पावर का समेशन जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, n के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपको लिख लेना चाहिए। चलो, सिंस पावर ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीज्ड बाय रहेगा, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, एक्स का पावर क्या क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज्ड बाय 1 एंड पावर ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 1। सो समेशन ऑफ पावर, यहां पे मैं लिख लेता हूं, सम ऑफ पावर ऑफ एक्स एंड ए इज ऑलवेज एन, वो ऑलवेज कितना रहेगा, एन रहेगा। समझ में आ गया? ओके, चलो लिख लो जल्दी से, हो गया। चलो अभी क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास सी की वैल्यू, ये सी क्या है, सी इज नथिंग बट कॉफिशियंट ऑफ बायनोमियल, तो वो कॉफिशियंट ऑफ बायोनोमियल जो है उसको हम समझेंगे, उसको मतलब कैसे हम निकालेंगे, कॉफिशियंट ऑफ बायोनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम समझेंगे। ठीक है, चलो यहां पे थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, क्या है, सी जीरो एन, सी वन एन, सी टू एन, सो ऑन, कहां तक, सी एन एन तक। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट कॉफिशियंट ऑफ बायोनोमियल, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशियंट ऑफ बायोनोमियल। समझ में आ गया? अभी इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है उसका हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, बायोनोमियल का जो फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल है वो क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो, सपोज हमारे पास यहां पे एन इंटेजर है और यहां पे आर इंटेजर है, ठीक है, तो सी एन आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ आर एन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा अपना जनरल इक्वेशन। अभी एन फैक्टोरियल क्या है, व्हाट इज एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, एक एक वैल्यूज डिक्रीज करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 लिया, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, ऐसे मतलब 1 तक लेके जाना है। तो ये जो फैक्टोरियल, इसको इक्वेशन में अगर लिखेंगे तो एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 सो ऑन, कहां तक, 3, 2 और 1 तक। जब तक 1 तक नहीं आता है उसको हमें मतलब फैक्टोरियल को हमें 1 तक लेके जाना है और सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, मैंने प्लस कर दिया अभी इसमें, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 × 2 × 1, समझ में आ गया? तो ये एन फैक्टोरियल की वैल्यू, और ये हमारा जो है कॉफिशियंट ऑफ बायोनोमियल, जिसकी वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है। अभी आर फैक्टोरियल है, फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैं समझाता हूँ, मतलब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो कैसे निकलेगा, फर्स्ट 5, बाद में 5 − 1 दैट इज 4, बाद में 3, 2, 1, ठीक है, और ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फैक्टोरियल 5 की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा अपना बायोनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल। अभी जो, चलो पहले ये वाला लिख लो, उसके बाद हम ले लेते हैं एनी इंटीग्रल इंडेक्स के लिए बायोनोमियल थ्योरम। चलो जल्दी से लिख लो, हो गया, ओके। चलो, तो अभी हम बात करते हैं
बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंटेग्रल इंडेक्स, फॉर एनी इंटेग्रल, चलो मैं यहां से ही मिटा देता हूँ, कम पढ़ रहा है बोर्ड, छोटा पढ़ रहा है। ओके चलो, फॉर एनी इंटेग्रल इंडेक्स, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम हमें किसके लिए निकालना है, फॉर एनी इंटेग्रल इंडेक्स, तो उसका जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 1 + x^n = 1 + n(x) + n^((d/2)(x)n-1, है ना, एक्स माइनस एन माइनस वन का फैक्टोरियल ओके फॉर एनी इंटेग्रल इंडेक्स। अभी हम पहले क्या करते हैं, बायनोमियल थ्योरम लिख लेते हैं, 1 + x^n = इसका एक्सप्रेशन हमें कैसे मिलेगा, 1 + n(x) + n(n-1)(2)((n)-1)(n-2)/3(3)+(so on) कहां तक, इन्फिनिटी तक, कहां तक जाने वाला है, इन्फिनिटी तक, मतलब इस यहां पे हमें नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस पता नहीं कितने आएंगे, इन्फिनिटी नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस मिलेंगे। ये हमारा कौन सा हो गया, फॉर एनी इंटेग्रल इंडेक्स, समझ में आ गया, चलो लिख लो जल्दी से और उसके बाद मैं नॉट्स आपको लिखवाता हूँ इसके, मतलब ये हमारा जो जनरल इक्वेशन हुआ ना फॉर एनी इंटेग्रल इंडेक्स, इसकी नॉट्स में लिखवा देता हूँ, ठीक है, चलो अभी लिखवा देता हूँ, बाद में आप इसको पूरा लिख लो यहाँ पे इन्फिनिटी तक, ठीक है, चलो नॉट करके लिखो आप, फर्स्ट बात जो नोट करनी है, इफ वैल्यू ऑफ इंटेजर एन इज पॉजिटिव देन नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस विल बी एन प्लस वन, हमने आगे देख लिया, ठीक है ना, तो देन नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस विल बी एन प्लस वन, ओके। सेकेंड बात क्या थी, इफ देखो यहां पे एन क्या है, इट मे बी पॉजिटिव इंटेजर, नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंटेजर, समझ में आया, यहां पे एनी वैल्यू लेनी है, मतलब ये पॉजिटिव, एन की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, उसके लिए जनरल हमारा जो फॉर्मूला हुआ वो ये हुआ, समझ में आया, ओके इसको थोड़ा साइड में रख, चलो सेकेंड पॉइंट, इफ वैल्यू ऑफ इंटेजर एन इज नेगेटिव और फ्रैक्शनल, ओके, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है या फिर फ्रैक्शनल है, देन द नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस आर इन्फिनिट, मतलब उस देर इज नो लास्ट एक्सप्रेशन और वी कैन से देर इज नो लास्ट टर्म, ओके, सो देन द नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस आर इन्फिनिटी, समझ में आ गया, वी कैन से दैट इज नो लास्ट टर्म, इसमें एक कोई भी लास्ट टर्म नहीं होगा, ओके वो चलता ही जाएगा, देर इज नो लास्ट टर्म। थर्ड और लास्ट हमारे नॉट
का इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, और बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्जाम्स में और जो हमारे फिजिक्स में बहुत बार, मतलब बहुत बार नहीं, आपको यही थर्ड वाला पॉइंट है उसको ही कंसिडर करके जो हमारे क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने होंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर 11th का जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है उसमें ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जो है उसमें ही हम ये पढ़ेंगे, लेकिन जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके चलो, थर्ड थर्ड पॉइंट क्या था, इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज वेरी 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 लेस देन वन, इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज वेरी 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 लेस देन वन, देन क्या होगा, ये हमारे पास, देन हमारे पास जो इक्वेशन वन प्लस एक्स का पावर एन ये जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वन प्लस एन एक्स, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन, समझ में आ गया। ओके, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज वेरी 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 लेस देन वन, देन द इक्वेशन विल बिकम्स द बायनोमियल थ्योरम, दिस इक्वेशन विल बिकम्स वन प्लस एक्स का पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स। क्यों ऐसा हुआ इसको समझते हैं। देखो अभी देखो, एक्स की वैल्यू अगर इफ एक्स इज लेस देन वन तो हम दो तीन टर्म्स को कंसिडर करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि कितने डेसिमल तक आपको सॉल्व करना है, लेकिन वो मैथ्स का टॉपिक है, मैथ्स में डेसिमल तक सॉल्व करना होता है, हमें डेसिमल तक नहीं सॉल्व करना होता है, हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट या फिर एक्स की वैल्यू जहाँ पे वन से बहुत कम हो, छोटी होगी, ऐसे ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे, ठीक है। चलो तो अभी क्या करते हैं हम, ये वाला, हाँ ये वाला जो इक्वेशन हमें मिला है वो बहुत ही मोस्ट आईएमपी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मोस्ट आईएमपी इक्वेशन है हमारे लिए, दिस इज मोस्ट आईएमपी इक्वेशन फॉर अस। अभी ये इक्वेशंस को हम तीन थ्री टाइप्स में लिखेंगे। फर्स्ट कैसे करते हैं, वन प्लस एक्स का पावर एन, इसको एक्सप्रेशन करो, वन माइनस एक्स का पावर एन, इसको मतलब एक्सपांड कीजिए, वन माइनस वन वन प्लस एक्स का पावर माइनस एन एंड वन माइनस एक्स का पावर माइनस एन, ये सबको एक्सपांड करेंगे हम, तो क्या आएगा आंसर, चलो बताओ, वन प्लस एक्स, ये एन अंदर चला आएगा, तो वन प्लस एन एक्स, ये वन माइनस एन एक्स, ये वन माइनस एन एक्स, क्यों माइनस, क्योंकि ये पावर ऑलरेडी माइनस में है, आगे आएगा वो नेगेटिव, ये साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, वन प्लस एन एक्स। और ऐसे हम कोई भी टफ इक्वेशंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, समझ में आ गया। अच्छा हाँ, मैं एक बात बता रहा था कि यहाँ पे हमें ये वाला इक्वेशन, ये वैल्यू कम होने की वजह से ये वाला इक्वेशन क्यों लेना है, देखो अभी मुझे बताओ कि अगर एक्स की वैल्यू कम होगी, एक्स की वैल्यू अगर कम होगी तो वन प्लस एन एक्स तक तो ठीक है, वन प्लस एन एक्स तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया, मतलब ये वाला जो टर्म है, मतलब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती जा रही है, और उसकी वजह से वैल्यू कम होने की वजह से उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें बाकी के कोई टर्म लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टर्म लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। चलो हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 0.01 एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कितनी है 0.01, अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा एक्स स्क्वायर तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 0.001 हो जाएगी, समझ में आया। वैसे मतलब ये वैल्यू कम होती जाएगी, ये वैल्यू क्यूब में हो जाएगी तो और भी कम होती जाएगी, मतलब यहाँ पे ये सेकंड थर्ड जो है वो कम होते जाएंगे, उसकी वजह से हम उसको कंसिडर नहीं भी करेंगे, नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना आज का मैथमेटिकल टूल का एलजेब्रा, ठीक है। एलजेब्रा में हमें इतना ही पढ़ना था, कॉमन फार्मूलाज पढ़ लिए, बायनोमियल थ्योरम पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, और ये सब जो है आज आपने नोट डाउन किया है उसको आप घर पे जाके, मतलब घर पे ही बैठे हो,
तो उसको पढ़ना है, उसको याद करना है, और आपको ये फॉर्मूले सब याद करके रखने हैं। बाद में हम जब चैप्टर्स 11, 12 के पढ़ेंगे उसमें आपको ये काम में आएगा। ठीक है, ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।